वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ये लेकर आया हूँ वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल जो 1600 वैकेंसीज आपके लिए निकली थी उसका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करूँगा। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी भोपाल 1600 वैकेंसीज के रिजल्ट पर हमें जो है एक वीडियो दे दो, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। आपके बहुत सारे सवाल थे जो आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर रहे थे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी लेकर आपको जो है यहाँ पर रिप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर आपको पता ही है इसमें मौका दिया गया था आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले बच्चों को, तो 22/4/2019 से 10/5/2019 तक आपका जो है यहाँ पर डीवी होने वाला है। बाकी हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने आगे दे रखी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिन बच्चों की कट ऑफ मीट करती है, फॉर एग्जाम्पल फिटर की कट ऑफ दे रखी है 90, इलेक्ट्रिशियन की दे रखी है 95, अगर आपकी परसेंटेज उस क्राइटेरिया को मीट करती है, आपकी कट ऑफ उस क्राइटेरिया को मीट करती है बट आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो भी आप डीवी के लिए जा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं विद दी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो लेकिन एक कंडीशन है, आपको 18/4/2019 से पहले डिपार्टमेंट को मेल करना पड़ेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि सर हमारी परसेंटेज का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, हमारी कट ऑफ मीट कर रही है बट हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। आप मेल करके चाहे रिप्लाई आए या ना आए, आप जो है विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जा सकते हैं डिपार्टमेंट में अपना जो है डीवी करवाने के लिए। अब मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ इनके जो जो क्राइटेरिया फॉलो कर रखे हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि सारे की सारी ये जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको कैसे मिलेंगे ताकि आपको उन्हें पढ़ने में आसानी हो जाए। बढ़ते हैं आगे। तो भाई इन्होंने जो कॉल लेटर दिया है, कॉल लेटर 10वीं वाले बच्चों का अलग दिया और 10+ ITI वाले बच्चों का अलग दिया है। सो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहां से देख सकते हैं। मैं बस आपके लिए जो मेन पॉइंट था वो क्लियर कर देता हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है RDAT को लेकर। भाई देखो RDAT कुछ नहीं है, आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोफाइल आपको निकलवा के लेकर जाना है। आप बोल रहे थे कि अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको बस RDAT यानी अप्रेंटिसशिप पोर्टल से आपको जो है वो प्रोफाइल निकलवानी है और उस प्रोफाइल का प्रिंटआउट लेकर साथ में आपको जाना पड़ेगा। एज अ फोटोकॉपी लेकर जाएं या आप कलर में लेकर जाएंगे, डजेंट मैटर, आप फोटोकॉपी लेकर चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हो सका तो एक बार आप उसका भी प्रिंट ले लेना जो जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है मेल किया जाता है, कंफर्मेशन मेल जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, वो भी आप प्रिंट आउट लेकर जा सकते हैं। लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट लेकर आएँ ताकि किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी की इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। और यहाँ पर आपको फोटो भी लेकर जाने पड़ेगी, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। और आपको बता दूँ यहाँ पर आपको जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंटआउट भी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप जो कैसे अपना प्रिंटआउट निकाल सकते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप इजीली जो है वहाँ पर डीवी के लिए चले जाएँ। मैं अब आपको 10th वाले जो है कॉल लेटर पर लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका 10th पास वाला यानी फ्रेशर वाला जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन है। इसमें आपको बता दूँ बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें RDAT वाला जो पार्ट है हम तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही करते, तो आपको बता दूँ देखो भाई आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हो और जिसने नहीं किया वो अभी भी कर सकता है, आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज अ नॉन ITI कैंडिडेट, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है। तो आप भी जो है उसी तरीके से प्रोफाइल निकाल सकते हो जिस तरीके से एक ITI का बच्चा निकालता है। तो यहाँ से इनका भी एक जो है प्रिंटआउट निकलेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म का होता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको जाना है ये नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा कि किस जगह पर आपको जो है DV के लिए जाना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे लेकर चलूँगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। एक और जो है यहाँ पर एक अपडेट है, ये भी एक आवश्यक नियम और निर्देश है, इसे भी आप जो है केयरफुली पढ़ लेना, मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जो है इन्होंने ये जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे रखा है, आप ये फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ से जो है डाउनलोड करके खाली इसका प्रिंटआउट निकलवाना। और आप जानती हैं सिविल सर्जन होता है, गजेटेड ऑफिसर होता है जो आपके हॉस्पिटल की नाइल में होता है, उससे जो है इसको प्रॉपर तरीके से अपना जो है बनवा के यहाँ पर जो है किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बनाना यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी एक आप ये वीडियो देखें ऊपर आपको लगा के दे रखी है। और आपको बता दूं आप चाहे ये लेकर जाएं या फिर हॉस्पिटल आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट देता है वो भी आपका काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ से मना कर दिया जाए कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी आपका काम करता है। चाहे आप ये लेकर जाएँ जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर
या फिर आप जो है जो ऊपर आई बटन पे एक सिविल सर्जन से मैंने सिग्नेचर करा के आपको जो बता रखा है कि कैसे जो है आप अपना जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं, तो इससे थोड़ी अपडेट मिल जाएगी और जो हॉस्पिटल आपको देता है उससे भी आपका काम चल जाएगा। और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि जब आपको डीवी की डेट दी जाए, मतलब डीवी की डेट तो दे दी गई है, डीवी की डेट आपको मिल गई है, तो उस डेट से पहले आपको वो चीज़ मिल जाए, क्योंकि आपको ट्रेन में सफ़र करके दूसरी जगह पर भी डीवी के लिए जाना पड़ेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी कट ऑफ पर। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है पहले आईटीआई वाले बच्चों की मैं बता रहा हूँ, आईटीआई वाले बच्चों की आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। सो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसके बाद जो है आप नॉन आईटीआई की भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इनको डेट ऑफ स्क्रीनिंग इनकी ये रखी गई है, और इनका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं। और उसके बाद बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मुझे पता है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा लेकिन उनकी कट ऑफ मीट कर रही होगी, तो वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट को मेल करके, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, वहाँ पर डीवी के लिए जा सकते हैं, जो भी आपकी लोकेशन हो। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पर सेकेंड वाली लिस्ट पर। तो सेकंड वाली लिस्ट आप देख सकते हैं, ये है आईटीआई वाले बच्चों की, नॉन आईटीआई वाले बच्चों की, जो टेंथ पास वाले बच्चे थे, फ्रेशर आप इन्हें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि कितनी कितनी परसेंटेज जो है गई है और इनको कब बुलाया गया है, तो ये पूरा क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। इसके अलावा माइंड में कोई सवाल रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंशन कर देना। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से आपको ये एप्लीकेशन नंबर डाल के और अपनी DOB डाल के अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालना, और फी रिसिप्ट उसी में अटैच्ड है, वहाँ से आपको निकालनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन भी है डुप्लीकेट रिसिप्ट का, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और DOB डालेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपको दिख जाएगी, उसका प्रिंट आउट आप ले लेना, वहाँ पर आपको प्रिंट निकालने का ऑप्शन दिख जाएगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ना निकले, सो जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया था वो वाला आप लेकर चले जाना, तो इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ इनकी मेन साइट पर, ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से जितने भी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाए वो मिल जाएं। तो इस साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, मेरी ही साइट है। तो यहाँ पर जो है आप जैसे ही क्लिक, ये जो है इस पर क्लिक, हेयर पर क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पर चेक रिजल्ट पर, तो आपके सामने कैसी साइड ओपन होगी अभी आपको दिखा दूंगा। आपको बता दूं यहाँ से आप जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं, और यहाँ से आप अपना गेट एप्लीकेशन फी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड ना हो तो फी रिसिप्ट तो आपको 100% मिल जाएगी। सो ये साइट मेरी है, यहाँ पर जाकर जो है आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जैसे हमने इस लिंक पर क्लिक किया, क्लिक हेयर पर, तो हमारे सामने कैसा ऑप्शन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है एक ये MP की साइड है, यहाँ पर आपको एक तो पूरी प्रॉपर रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है साइट पे, तो आप जो है इजीली इसे समझ जाएंगे। सो यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं, अदरवाइज़ एक दूसरे की आप मदद कर दो, एक दूसरे के कमेंटों का रिप्लाई कर दोगे तो मेरे लिए भी बेटर होगा। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंशन कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि मैं उनका जवाब दे सकूँ। और अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं, ताकि एडमिशन के टाइम पर उनकी मैं मदद कर सकूँ। और ये जो ऊपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाली वीडियो ऐसे देखने ना भूलें, सिविल सर्जन जो होता है वो आपका गजेटेड की कैटेगरी में आता है। सिविल सर्जन के अलावा भी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनका आप मेडिकल जो भी अपना सर्टिफिकेट बनवाते हो अगर उससे अटैच करवाते हो, उससे जो है साइन करवाते हो, तो वो जो है वैलिड माना जाता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को जब वो DV के लिए जाते हैं तो उनके सारे डॉक्यूमेंट रख लिए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंट उनको एक और मौका देता है कि वो जो है वहाँ पर DV के लिए मतलब दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो। सो पहली बार में आप करेक्ट करके चलना तो आपके लिए बेटर होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और जो डिपार्टमेंट है आपको जो है घर ना भेजे कि आपको ये डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। वैसे थोड़ा सा समय दिया जाता है आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है तो उसे करेक्ट करके आप जो है डिपार्टमेंट को दोबारा मेल के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट की मर्जी है वो आपको मैनुअली भी मतलब आपको जो है बुला भी सकता है वहीं पर जहाँ पर आपको DV के लिए जाना होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।